नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। हर साल की तरह इस साल भी संपर्क फाउंडेशन कल्याण की तरफ से लोगों से जमा किए गए कपड़े का अनाथ निराधार गरीब व आदिवासी पाड़ा के लोगों के बीच जाकर वितरण किया गया। आदिवासी या गरीब लोगों को पढ़ाई का माध्यम नहीं है, ऐसे लोगों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते उन्हें सामग्री देकर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य संपर्क फाउंडेशन करती है। आपने गरीबों को कुछ कपड़े दिए, उसके बारे में क्या कहोगे आप? सर, एक्चुअली हम अगर देखा जाए तो हम लोग आज भी ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ तक बदन पे कपड़े नहीं होते हैं जो उनके लिए सख्त ज़रूरी होते हैं। तो ये बात को हम लोगों ने मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कल्याण में जो भी है लोग उनको हम लोगों ने अपील किया था कि आपके पास जो भी अच्छे कंडीशन में कपड़े हैं जो आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और के काम आ सकते हैं। तो जितने भी कपड़े हम लोगों ने अपील करने के बाद में कल्याण के लोगों ने हम लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। वो लोगों ने कपड़े हमारे पास पर्स और हमारा जो फाउंडेशन है वहाँ पर हम लोगों ने जमा करके टोटली हम लोगों ने वो आदिवासी जो पड़ा है, अनाथ लोग है, जो निराधार लोग है, जो गरीब लोग हैं जिनको इसकी कपड़ों की सख्त ज़रूरत है, वो लोगों तक हम लोगों ने उनको पहुँचाया। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को एक बात याद आई कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर शिक्षा नहीं तो फिर वो लोगों का विकास भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि वो लोगों को के बारे में प्लान कर रहे हैं और ठंड की वजह से अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं होती, तो हम लोगों ने जल्दी अभी लोगों को अपील किया हुआ है कि अपने पास जो भी अनयूज स्वेटर्स है, ब्लैंकेट्स है, उनको उसका भी हम लोगों का जमा करना काम चालू है। तो आपने ऐसे कितने गरीबों को कपड़े दिए और कहाँ दिया है? तकरीबन सर हम लोगों ने 50 से 100 लोगों को, मोर देन 200 पीपल्स हम लोगों ने दिया हुआ है। तो वांगनी के बाजू में एक वांगनी है, खड़कवाड़ी है, ढवलेपाड़ा है और कारावा है, जहाँ पे टोटली आदिवासी लोग है, गरीब लोग है, अनाथ हुए अनाथ बच्चे लोग हैं, हम लोगों ने छोटे बच्चे है, औरतें हैं, उनकी साड़ियाँ है, बूढ़े लोग हैं। तो आप कितने सालों से कार्य करते चले आ रहे हैं? सर तकरीबन 2 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और हम लोग का मेन फोकस है वो एजुकेशन और हेल्थ चेकअप है। आपके टीम में कितने लोग शामिल हैं? सर तकरीबन हमारे टीम में 25 से 30 लोग शामिल है। नीलेश चौधरी, अभिजीत पंडित, तेजस किम्बर, सपनेश शेट्टी, ये हमारी काफ़ी अच्छी टीम है, सब एजुकेटेड है और हम लोग का सर बेसिकली नॉन पॉलिटिकल है और वेल एजुकेटेड ग्रुप है। पेशा कल्याण से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट।